गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करा। पेशतर सनेमर गुरदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ खजानियां वाला परमात्मा दा नाम, हर एक तरह दे आनंद ते रस देण वाला प्रभु दा नाम, जिंदगी नूं सफल करन वाला प्रभु दा नाम, एक किसे बाजार दे चो नहीं मिलेगा, किसे दुकान तो नहीं मिलेगा, किसे तीरथ तो भी नहीं मिलेगा, किसे धार्मिक स्थान तो भी नहीं मिलेगा, जीवन दे चो मिलेगा। नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। धार्मिक मंदिर विच इस वास्ते जाना है ताकि समझ पै जाए कि नाम दी खोज जीवन विच करनी है, बस इतना ही लाह है। बाहर टोले सो भरम भुलाई, जो प्रभु दे नाम नु बार लभदा है भरम दे च है, बुलेखे दे च है, ते जो जीवन दे अंदर पदार्थां नु लभदा है, धन नु लभदा है, ओ भी भरम ते बुलेखे च है। पदार्थ बार मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। धन बार मिलेगा साधना नाल, मेहनत नाल, प्रभु दा नाम अंदरों मिलेगा, पर ए भी मेहनत नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गार, जितनी मशक्कत मेहनत ते समा मनुख पदार्थां नूं कमाण वास्ते खर्च करदा है, ओदा दसवां भाग भी नहीं खर्च करदा परमात्मा नूं प्रगट करन वास्ते। और भरोसा भी मनुख दा जीवन भर डोलदा रहिंदा है। मनुख दी जिंदगी दसदी है ये परमात्मा तो बिना जी रहे है। जीवन दसदा पिया है ये परिवार दे नाल जी रहे है, ये अर्थव्यवस्था दे नाल भी जी रहे है, ये कारोबार नाल जी रहे है, ये निरंकार दे नाल नहीं जी रहे है। जीवना दसदा पे है, जिंदगी दसदी पई है। इस कोल सारे दा सारा जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं है। धार्मिक जीवन है परमात्मा दे नाल जीवना, समाजिक जीवन है परिवार दे नाल जीवना, आर्थिक जीवन है कारोबार दे नाल जीवना, पर धार्मिक जीवन ते है गुरु नाल जीवना, परमात्मा नाल जीवना। हर तरह दा जीवन मनुख कोल है। सारी दुनिया विच मनुख कोल धार्मिक जीवन नहीं है। किसे धार्मिक मंदिर विच जा के कथा कीर्तन सुन के कोई मनुख धार्मिक नहीं हो जांदा, ये भी मैं अर्ज कर दें। वरना ते सारे ही मनुख धार्मिक गिण लईए जो चर्च दे जांदे ने, मस्जिदां जांदे ने, मंदिर गुरुद्वारियां जांदे ने, नहीं ये धार्मिक होण दी कोशिश है ते धर्म नूं समझण दी कोशिश। पहले समझना ते फिर प्राप्त करना। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, पहला वस्त सियाणी है तां की जे वापार। पहले समझो फिर प्राप्त करो। कह दें दिन सिमरन करो, केदा सिमरन करो, परमात्मा दा करो, तो परमात्मा की है पहले उहदी ते समझ होवे ना। जिहदी समझ नहीं ते जिसनूं जाणदे भी नहीं उहनूं याद किवें करांगे किस तरह करांगे।
इस वास्ते साहिब फरमान करदे ने पहला वस्त सियाणी है तां की जे वापार। वस्तु नू पहले देख ले, समझ ले, पहचान ले कि काबले इस्तेमाल है कि नहीं, काबले खरीद है कि नहीं, फिर तू उस नू खरीद। पर इस दे नाल दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी है, सुन मुंदे हरण आखिए गूड़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकी जे वापार। ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए, कवि जना ने अलंकारक भाषा वरतीए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कुल हिरदा कवि दा संगीतकार दा। मेरे देखे परमात्मा नाल जुड़िया होया मनुख कलाकार हो ही जांदा है, उहदे अंदरों कला फुटदी है। जैसे देखदे हां भावें चौक विच बैठ के सारा दिन रविदास जुतियां गणदा है, पर जद उसदे अंदरों परमात्मा प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के, उहदी सारी बाणी गीत दे च है, उहदे सारे बोल शायरी दे च ने। उहने कविता किधरों सिखी नहीं है। भावें सारा दिन खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े बुणदा है, पर जद परमात्मा प्रगट होया उहदे चों संगीत बन के, गीत बन के, हैरानगी इस गल दी। कुरुक्षेत्र दे मैदान विच श्री कृष्ण ने जेड़ा ज्ञान अर्जन दी झोली च पाया उनू भागवत गीता कहिंदे ने, गीता गीत। परमात्मा दे बोल आम बोल नहीं ने, गीतमई ने। परमात्मा दे बोल आम नहीं ने, संगीतमई ने। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। रब नाल जुड़िया हुई आत्मावां उन्हां दे अंदरों एक कला फुटदी है। साहिब कहिंदे ने सुन मुंदे हरण आखिए गूड़ा वैण अपार। कहिंदे ने आवाज दे च मिठास कोयल दे अंदर है। शरीरक तौर ते सौपण प्रभु ने मोर नू दे दिता है। चाल दे च मधुरता हंस दे कोल है। जीवन दे च प्रबल साहस शेर दे कोल है। इसे तरीके दे नाल ये धार्मिक विद्वान ते कवि जन कहिंदे ने नेत्र खूबसूरत हिरन दे ने। मृग कहिंदे ने हिरन नू, संस्कृत दे च मृग, मृग नैन, हिरन वर्गे नेत्र। अखां दी खूबसूरती परमात्मा ने हिरन नू दित्ती है। शरीर दा सुहप्पण प्रभु ने मोर नू दित्ता है। आवाज दे च मधुरता परमात्मा ने कोयल नू दित्ती है। और इसे तरीके नाल तुसी निगाह मारोगे कुछ ना कुछ खूबी प्रभु ने सारियां दी चोली च पाई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे अलंकारक भाषा वरदे ने, सुन मुंदे हरण आखिए ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए, गूड़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकी जे वापार। ये तशबीह क्यों दिती है हिरन वर्गी अख? हिरन दे नेत्र बड़े खूबसूरत, लेकिन हिरन अपनी अखां तो ही धोखा खा जांदा है। मरुथल विच रेगिस्तान विच चमकदी हुई रेत नूं पाणी समझ बैठदा है। इहनूं मृग तृष्णा कहिंदे ने, दौड़दा है। उस चमकदी हुई रेत दे कोल जद पहुंचदा है तो रेत, पर हुण होर दूर रेत चमकण लग पई उहनूं पाणी समझ लैंदा है। जिस तरह अरब देशां विच मरुथल है, राजस्थान सारा मरुथल है, भारत दा एक सूबा राजस्थान
ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਮਰੂਥਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਦੌੜਦਾ। ਜਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੋ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੇਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ। ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਨਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੇ। ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਆਈ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੂ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਰ। ਇਹ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇ। ਕਿਉਂ? ਹਿਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਤਰ ਪਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਟਕਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ 'ਚ ਤੀਰਥ ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
श्री कृष्ण की पहली श्रद्धालु जिस तों कृष्ण दे अनुयायियों का जन्म होया वह द्रौपदी है। इस्लाम पहले हजरत खदीजा ने कबूल किया, मुहम्मद साहब की पत्नी, उस तों इस्लाम चलिया। और इसे तरीके दे नाल विद्वानां दा ऐसा कहना है, बहन नानकी तो सिखी आरंभ होई, पिता ते इनकारी सी, पिता ते 20 रुपया बदले गुरु नानक नूं थप्पड़ मारदा है। माता तृप्ता कहिंदी है इक्को ही मेरा है, लड़का है सुदाई है ते पागल है। सारे बेदी भी कहिंदे ने ए पागल है भूतना है, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, लेकिन श्रद्धा पक्की रही भैन नानकी दी। भावुकता इस्त्री दे ज्यादा होंदी है, विश्वास करन दा जज्बा बहुत ज्यादा होंदा है। इस तरह कहिंदे ने सिखी इस तरह फैली, किधरे डोल जांदी नानकी वी ते खेड बननी नहीं सी। वैसे नामां दी बड़ी सांझ है, नानक नानकी। पहली औलाद पिता कल्याण दास की नानकियां घर दे चोई। नानी ने बच्ची नू चुकया, सहजे सहजे इस बच्ची नाल नानी दा मोह हो गया और नानी कहन लगी ते नानकियां दी है। इथों शब्द चलिया, नाम चलिया नानकी, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं रखिया, नानी दे मुंहों निकले नानकी। ये तो नानकियां दी है, असी पालांगे असी रखांगे असी नहीं देनी। नानी दा मोह बड़ा हो गया, नानकियां दी नानकी। अंदाजन 7 साल बाद पिता कल्याण दास दे घर राय भौएं दी तलवंडी देच दूसरी संतान दा जन्म होया। हुण तृप्ता जी ने इस बालक नूं नानकी दी गोद विच पा के आख्या, ए नानकी दा वीर नानक। एक नाम नानी ने रखिया, एक नाम मां ने रखिया, किसे पंडित पुरोहित ने नहीं रखिया, किसे धार्मिक रस्मों रिवाज दे मुताबक ये नाम नहीं रखिया गया। इस नामकरण दे विच कोई बहुत वड्डे लोक नहीं कट्ठे कीते गए, सोते सिद्ध नानी दे मुंहों निकले है नानकी, सोते सिद्ध मां दे मुंहों निकले है नानकी दा वीर नानक। अजकल संस्कृत ग्रामर दे करता नानक दे अर्थ कर दें, ना अनक जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक नूं वेखदा है, एक नूं बोलदा है, एक नूं सोचदा है, एक नाल जुड़िया है, एक नाल जोड़दा है, उन्हों कहिंदे ने नानक। ना अनेक, अनेकता नहीं, एक, बस एक नूं ही सोचदा है, एक नूं याद करदा है, एक नूं वेखदा है, एक नाल जुड़िया होया है। और पूरी कोशिश एक नाल जगत नूं जोड़ना है। गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म ज्ञान निकलिया है एक, ते गुरु ग्रंथ साहिब दा जो पहला अक्षर है वह एक। दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्हां दा पहला अक्षर एक, एक ओंकार। नवाब दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे ने मस्जिद दे 5-10 अहलकार, इमाम, नवाब, ये सारे नमाजी एक लाइन दे खड़े हो गए, गुरु नानक भी खड़े हो गए अगों इमाम। नमाज आरंभ हो गई, सारियां ने सजदा कीता है, पर गुरु नानक खड़े रहे। जन्म साखी इंज कहिंदी, अखां खोल के नवाब ने वेख लिया कि गुरु नानक सजदे देच नहीं है। ध्यान साधना देच, नमाज देच, नाम जपण देच अखां नूं बंद करना पैंदा, कारण ध्यान नूं अंदर ले जाना। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम।
ਅੱਖਾਂ ਬਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਜਦੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੌਣ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਇਸੇ ਹੀ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਰ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਪੈ ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਰ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾਵਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਬਣਾਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਰਸਤੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ। ਤਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ,
मांस दे उत्ते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे उत्ते लिपटी हुई है खलड़ी। इस तो इलावा होर की है तन। खलड़ी नो एक पासे करोगे चर्बी है, चर्बी नो एक पासे करोगे मांस है, मांस नो एक पासे करोगे हड्डियां। ये चारां दा मजमू है। मन भी चारां दा मजमू है। इनू कहंदे ने मन बुद्ध चित आहंग। जो विचारां दा प्रवाह है इनू मन कहंदे ने, जो सोचणी दा प्रवाह है इनू बुद्ध कहंदे ने, जो यादां दा प्रवाह है इनू चित कहंदे ने। ते तिन्हां दे नाल जिहड़ा इह भाव बनिया रहिंदा है, विचार मेरे ने, यह मैं याद कर रहा, यह मैं सोच रहा, इनू आहंग भाव कहंदे ने। इन्हां चारां दे जोड़ नू मन कहंदे ने, अंतशकरण कहंदे ने। तो हुण तुसीं किस तरह देखोगे मेरे अंदर कहड़े विचार पे चलदे ने, मैं किस तरह देखांगा, तुसीं किस नू याद पे करदे, मैं की सोच रहा, थानू की पता है, तुसीं की याद कर रहे हो, मैनू की पता है। मन तक किसी की पहुंच नहीं होंदी। एक दूजे का तन वेख सकते हैं, मन नहीं, विचार नहीं देख सकते। लेकिन आत्म ज्ञानी एक होर गल कहिंदे ने, जो अपने शरीर दे बारे जानदा है वह सारे शरीरां बारे जानदा है, जो अपने मन बारे जानदा है वह सारयां दे मन बारे जानदा है, जो अपनी आत्मा नूं जान लैंदा है सारे जगत की आत्मा नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जानन दे नाल कोई नहीं जान सकदा, अपने आप नूं जानदे ही जगत नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जितण नाल कोई जगत नूं नहीं जित सकिया अज तक, अपने आप नूं जितण नाल ही जगत नूं मनुख जित लैंदे ने। इसे नूं महाराज ने कहा, मन जीते जग जीत। मन नूं चित्र गुप्त भी कहा, वह चित्र वह तस्वीर जो गुप्त है। तन प्रगट चित्र है, तन ठेंगड़ा है, उच्चा है, कद है, गोरा है, काला है, सांवरा है, नैन नक्श कैसे ने अखां नाल दिखाई दे जांदा है। पर इस बंदे दे विचार की ने, किस तरह पढ़ोगे, एक ही सोचता रहिंदा है, इहदे अंदर किस दीआं यादां चलदीआं रहिंदीआं, इहदे अंदर जिहड़ा अहंग भाव है किस चीज़ का है, ये किवें वेखोगे, नहीं वेख सकते। चित्र गुप्त, ये तो गुप्त है, ये चित्र गुप्त है। शरीर प्रगट चित्र है, मन चित्र गुप्त है, गुप्त चित्र। जिहड़ी गल बंदा सिद्धी नहीं ना समझदा, उहनूं कहानियां नाल समझाया ते समझिया जांदा है। कारण है कि धार्मिक तौर ते बंदा परोड़ नहीं होया, अडल्ट नहीं होया, हजारां साल तो अग्ञान अणप चली आ रही है, चली आ रही। इस वास्ते ऋषि मुनियां नूं लंबियां चौड़ियां कहानियां करनियां पैंदियां ने। ते कहानी नूं संस्कृत दे च कहिंदे ने मिथिहास, मिथ के गल कीती है नहीं, है नहीं। इतिहास ऐसा होया है, मिथिहास ऐसा होया नहीं, मिथ के गल करदे पए। इस वास्ते कहिंदे ने मिथ है। इतिहास नो परशिन दे ते कहिंदे ने हकीकत, इते हकीकत है, सच्चाई है, पर आख्या ते है, पर वो है नहीं, हकीकत नहीं। उन्हों कहिंदे ने कहा नहीं, कहा नहीं, जो कह दिता है नहीं, है नहीं, आख्या है, कह दिता है, पर ऐसा है नहीं। इन्हों फिर कहिंदे ने उर्दू च कहानी, ये दो शब्दों का जोड़ है, कहा नहीं, जो कह दिता है वह है नहीं, वह है नहीं, उन्हों किधरे मन ना लो, ऐसा ही है। इन्हों संस्कृत दे च कहिंदे ने मिथिहास। तो बड़ा पुराणा दे च मिथिहास मिलता है, धर्म ग्रंथां दे च मिथिहास मिलता है, बच्चे नू समझाया जाता है कहानियां नाल। भई एक बैठा है चित्रगुप्त लंबा चौड़ा पौथा लेके, लोगों के कर्म पिया लिखता है, और फिर परमात्मा दे दरबार दे च वो पोथा खोलिया जांदा है। चित्रगुप्त फैसला करदा है, गुरबाणी दी बड़ी सुंदर पंक्ति, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन परदा तेरा ढाके। ये जड़ा प्रगट चित्र है अंतिम समय दफन कर दिता जांदा है,
या जला दिता जाता है। अगों तो गुप्त चित्र जाता है, अगे चित्र गुप्त जाता है। ध्यान नाल सुनना, प्रगट चित्र तो इतने रह गया, अगे कित्थे जाता है? राख हो गया या खाक हो गया? प्रगट चित्र के मुताबिक परमात्मा फैसला नहीं करता, चित्र गुप्त के मुताबिक करता है। खुलासा तो किसी वक्त मैं फिर करांगा। समाज देखता है मैं कीता की है, पर परमात्मा देखता है मैं सोचा की है। समाज देखता है मेरी करनी की है, कानून देखता है मेरी करनी की है, परमात्मा देखता है मेरी सोचनी की है। संसार यह देखता है मेरी कृत की है, परमात्मा यह देखता है मेरी नीयत की है। वो चित्र गुप्त के मुताबिक फैसला करता है, प्रगट चित्र के मुताबिक नहीं, साढ़े नैन नक्श के मुताबिक नहीं, साढ़े रंग के मुताबिक नहीं, साड़ी भाषा के मुताबिक भी नहीं, साढ़े विचारां दे मुताबिक, साड़ी सोचनी दे मुताबिक, साड़ी यादां दे मुताबिक। मैं ओही कुछ हाँ जो मेरिया यादां ने, तुसी ओही कुछ हो जो थोड़े विचार ने। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वह नहीं है, वह नहीं है। मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने, जो इसकी सोचनी है, जो इसदियां यादां ने। धार्मिक मंदरां दे च आण दा मतलब है विचारां दे च परमात्मा आ जाए, सोचनी दे च परमात्मा आ जाए, याद दे च परमात्मा आ जाए। असी परमात्मा नूं कोई गवाया नहीं है, बुलाया है। बुलाया क्यों है? समझ नहीं है, समझ नहीं। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने पहला वस्त सियाणी है तां की जे वापार। पहले समझ, जिस दिन समझ आएगी फिर पता की होवेगा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। ऐसा मनुख कम से कम पदार्थां लई बार भटक सकता है, परमात्मा लई नहीं। ऐसा मनुख बाहर धन लई ते जा सकता है, धर्म लई नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। कथ जाइए रे घर लागो रंग। स्वामी रामानंद का बड़ा कीमती शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो भंग। घर दे च ही रंग लगे। कुछ तार्किक लोगों ने कबीर नूं कहा भी तेनों कभी मस्जिद दे च नहीं देखा, तो नमाज पढ़न नहीं आउंदा। आपन शायद पता होए कबीर दे माता पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी। कबीर नाम भी इस्लामी है, अरबी दा शब्द है, तुहानू पता है। कबीर, कबीर कौन है एदी जानकारी सानू रविदास देंदे ने, नामदेव देंदे ने। जितने भगत बैठे ना गुरु ग्रंथ साहब दे च एक दूजे दा जिक्र करदे ने। इस तो मैनू ये समझ मिली, ये सारे समकाली होए ने, एक कोई वक्त च होए ने। नामदेव कबीर का जिक्र करदे ने, कबीर नामदेव का जिक्र करता है। रविदास कबीर का जिक्र करदे ने, कबीर रविदास का जिक्र करता है। नामदेव त्रिलोचन का जिक्र करदे ने, त्रिलोचन नामदेव का जिक्र करता है। ये सारे एक दूजे का नाम लेंदे ने अपनी बाणी च। इस तो यह समझ मिली करीबन करीबन ये सारे समकाली ने। उम्र दे थोड़ा जिहा भेद होवेगा, दो चार साल, अठ दस साल का, पर होए सारे एको ही समय ने। चलो एक पुख्ता सबूत मैं थोड़े सामने रखते हैं। कबीर का एक सलोक, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये सलोक कबीर का है, कबीर दे सलोकां दे च है। कबीर कह रहे ने रविदास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इहदी गल मन लो, तस्दीक कर रहे ने। कबीर रविदास दी हां दे च हां मिला रहे ने।
ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤੇ ਲੋਚਨ ਸਦਣਾ ਸਹਿਣ ਤਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸਭੇ ਸਰੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਾਂ ਕਿ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁੱਲ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰੇ ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਤੇਹੂੰ ਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਿ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁੱਲ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗਊ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਹੂਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹੈ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਮੂਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਈਆ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕਿਛੋ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੈਬਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੈਬਰ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਾ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ, ਕਾਹੋ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਹੋ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਕਾਹੋ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੇਵਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਾਸ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ, ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦੀ ਸਫਲ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
भगत पीपा जी यही कह रहे हैं, काया बौखंड खोजते नौ निद पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई। काया दी खोज करदिया करदिया नौ निद वस्तु सानू प्राप्त हो गई, ते नौ निधियां की ने, नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही में इसका बिसरा। तो हुण मैं मूल नुक्ता थोड़े सामने रखा, खोजी बिरतियां ते मनुख कोल जन्म तो ही ने, यदि अख खुलदी है ते कुछ लभदा है, कुछ तलाश कर रहा है, जीवन भर तलाश करदा है मनुख, खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई, ते तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं। तृप्ति नूं रजेवां कहिंदे ने, जो रज जाए राजा, हर मनुख राजा होना चाहुंदा है, जो भुखा उन्हों बुखारी कहिंदे ने, जो रज गया है राजा, राजे दे अर्थ इन्ने ने, राजे दे अर्थ हुक्मरान नहीं है, प्रभ जी तेरी दाती राजा, ये प्रभु तेरी दात नाल मैं रज सकदा, जो रज गया है तृप्त हो गया है राजा, और जिस दे अंदर मंग चली रही है भिखारी है, मंगता है। एक गाथा है, एक सूफी संत उनू किधरे पिंड दे वसनीका ने कहा, तू अकबर कोल जा, साडे पिंड दे च मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है, ते तेरा मान सन्मान बड़ा है, तेरे कहन नाल अकबर ने साडे पिंड दे च मदरसा बना देना है, बच्चियां दी पढ़ाई दा साधन हो जाना है, तू जा। ये फकीर सुते से सवेरे पहुंच गया, पर उदों अकबर दुआ दे सी और कह रहा सी, हे खुदावन ताला, तू मेरा राज पाठ होर वदा, मेरे खजाने होर भर, मैनू ताकत होर दे, मैं विश्व जेतु बना, इस तरह वो मंग रहा सी। फकीर कहिंदा है, मैं ते राजे को लाया सी, ते भुलेखे नाल मंगते को ला गए, ये आप पे मंगदा है, ये आप मंग रहे है। जो वापस होया अकबर नु भी महसूस होया कोई आया है पिछे और मुड़ रहा है, देखिया पिछे महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन दा चेला, रोकिया, फकीर साई आए हो, दसो कोई कम की चाहिदा है। कहने कुछ नहीं चाहिदा, हुण जिस तो तू मंग रहा सी ना उसे तो मंगांगा, जा तू अपना काम कर। जिस दे अंदर मंग जा रही है मंगता है, जो रज गया है राजा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, मनुख रजेवां लभ रहा और कुछ भी नहीं लभ रहा, तृप्ति लभ रहा, खोज रहा। सब तो पहले मनुख ने खोज दा कम जमीन तो शुरू कीता, जमीन ने अन्न दिता है, धन दिता है, तरह तरह की मैदनियात झोली दे च पाई है, जमीन अजे भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन मनुख रजेया नहीं है, नहीं तृप्त होया। फिर मनुख इन्हें पहाड़ां दे सीने चीरे, पहाड़ां दे चों सोना मिलिया, चांदी मिली, हीरे मिले, जवाहरात मिले, मूंगे मिले, नीलम मिले, पन्ने मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, बड़ा कुछ पहाड़ां ने मनुख दी झोली च पाया है और दे रहे हैं, लेकिन मनुख रजेया नहीं है, पहाड़ भी नहीं रजा सके, जमीन भी नहीं रजा सकी। फिर मनुख ने सागरां दे पानी नू छाणे, समुंदर नू छाणे, तरह तरह दी सौगात मैदनियात सागर ने भी मनुख दी झोली च पाई है, बहुत कुछ पाई है और बहुत कुछ सागर भी दे रहे है, लेकिन मनुख नहीं रजया। इन्ना वड्डा सागर तीन हिस्से, समुंदर है एक हिस्से, जमीन है, ना ये समुंदर मनुख नू रजा सके, ना ये धरती, ना ये पहाड़।
फिर मनुख दियां नजमां नजरां जेड़ियां ने आसमान ते गईयां। सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा, तो फिर ए सोचिया शायद उत्थों कुछ लभे और असी मालामाल हो जाइए। उस वक्त दियां दो हकूमतां रशिया ते अमेरिका, सैकड़े साइंटिस्ट दिन रात दिमाग खपांदे रहे, हजारां टेक्नीशियन जुड़े रहे, अरबां खरबां डॉलर खर्च हुए दो मुल्कां दे। चोटी दे सियाने साइंटिस्ट दिन रात मगज खपाई करदे रहे, कितने इंजीनियर, कितने टेक्नीशियन, कितनी लेबर, दिन रात लगी रही। अरबां खरबां डॉलर दो मुल्कां दे खर्च होए, तां किधरे मनुख एक दिन चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल होया। जिस दिन मनुख दे पैर चन्न ते टिके सन, सारी दुनिया दे हुलास दी लहर दौड़ गई सी। दुनिया बहुत खुश, मनुख चन्न ते पहुंच गया, चंद्रमा ते पहुंच गया। उन्हां दिनां विच इक महान उर्दू दा माया नाज शायर जिंदा सी, जिगर मुरादाबादी, हुण ते नहीं है। उहदी जबान चो इक बोल निकलिया, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहण दी कोशिश कर रहे हैं, तेनू ते जमीन दे उत्ते भी रहण दी जाच नहीं आई। जेहो जियां दा नरक तू जमीन ते बनाया है, ओ जियां दा नरक तू आसमान ते बनाएगा, और की करेगा। उत्थे भी वितकरे लै जाएगा, उत्थे भी खून खराबे लै जाएंगे, उत्थे भी तू अपना अहंकार लै जाएगा, उत्थे भी तू जात पात दे झगड़े लै जाएगा, उत्थे भी फोका अहंकार लै जाएगा। चंद्रमा की धरती नू भी खून नाल रंगेगा, और की करेगा। आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। पावे अरबां खरबां डॉलर खर्च होए, पावे कई साल मेहनत होई, ते सियाणियां सियाणियां ने सिर खपाया, पर लियाए उत्थों की मुट्ठी भर रेत ही लियाए, और कुछ नहीं। वह मैं रेत देखी है, होस्टन दे पई सी साइंस म्यूजियम दे, मैं देख के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, इसे ते अरबां खरबां डॉलर खर्च किए, ऐ मुट्ठी भर रेत लियांदी। ये भारत देश भी और रेत दिखाने वास्ते ले आए सन, प्रगति मैदान देश एक महीना पाई रही सी, लोकी लाइन ला के वेखते सन, बड़ी लंबी लाइन, चंद्रमा की मिट्टी। मैं कह हद हो गई, इन्ना खर्च, इतनी मेहनत, ल्यांदी मुट्ठी भर रेत मिट्टी। हुण मनुख दियां निगाहां मंगल ते ने, शनि ते अगे ने, चंद्रमा तो कुछ नहीं मिले, शायद अगों कुछ मिले, तो हम होर अगे जाण दी कोशिश पे करदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती, किधरे भी चला जा, तेरी लोड़ां दी पूर्ति हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना जमीन ते मिलेगा, ना आसमान ते मिलेगा, ना चंद्रमा ते मिलेगा, ना मंगल ते मिलेगा। देश बदल ले, घर बदल ले, मुल्क बदल ले, मजहब बदल ले, जात पात तो बदल ले, शहर बदल ले, सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होगी। फिर किवें मिलेगा, कित्थों मिलेगा? तो साहब कहिंदे ने, एक है जगह ऐसी, अगर तू खोजें मिलेगा, खोज करदे आ उंज नहीं, लेकिन मिलेगा। वो कित्थे है जिथों मैं खोज करां ते रज जावा? साहिब कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। अगर 10,000 किधरे सत्संगी बैठे हुण किसी भी धार्मिक मंदिर दे, कोई एक अद आउंदा मन की खोज करन वाला, बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई एक अद। यह गिणती है, निराशाजनक है। इस वास्ते हजारां साल पहले भी कोई करोड़ां च इक अद भगत हुंदा सी रब नाल जुड़े होया, अज भी उतने ने। मैं नहीं कहिंदा धरती खाली है, अज भी हैं, पर 6 अरब दे करीब जमीन ते मनुख पए वसदे ने, 600 मनुखां तो ज्यादा नहीं आउणगे, बस इतने।
ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਔਸਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਜਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਹਾਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ, ਖੇੜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨਾਉ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਫਲਿਸ ਸੀ ਗਾਲਿਬ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਫਲਿਸ। ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨ ਵਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਹੀਰੇ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਨਾ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਨਾ। ਕੋਈ 30,000 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪੰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। 30,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਖਾਨ ਵਾਰ ਨੇ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਹੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਦੇਣਾ, ਪੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਉਸਨੇ ਆਖੇ ਨੇ, ਸੁਖਨ ਕਿਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਜੋਇਆ ਹੂੰ ਜੋ ਜੌਹਰ ਕਾ, ਜਿਗਰ ਕਿਆ ਹਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੇ, ਜੋ ਖੋਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਚੀਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ, ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੀਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਔਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੈ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ 'ਚ, ਇਹ 12 ਦੋ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ
ते माला दा एक मोती कढ के ना पत्थर ते रख के तोड़दा है, फिर दूजा तोड़दा है, फिर तीजा तोड़दा है। सीता दी जबान चो निकलिया वानर है। आखिर बंदर नहीं सी जिन्हों जंगली मनुख असी कहिंदे आ, वन नर जंगल दे च रहण वाला नर, शहर दे च रहण वाला नहीं, पिंड दे च रहण वाला नहीं, वानर वन दे च रहण वाला, बन दे च रहण वाला, बन नर जंगल दा आदमी, जंगल दे च रहण वाला, बंदर नहीं सी मनुख से। और इस तरह दी उच्ची जिंदगी ते सोचनी किसे मनुख दे नाल ही उम्मीद जोड़ी जा सकती, बंदरां नाल नहीं। सीता ने कहा, हनुमंत इतनी कीमती तेनू मैं माला दिती, और ये माला राम नू भी बड़ी प्यारी, उन्होंने तोहफा जान के मैनू दिती ते मैं तेरी सेवा ते खुश होके तेनू दिती। तू मेरे सामने इस माला दी दिती हुई सौगात दी तोहिन कर रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, क्यों? हनुमान कहिंदन, मैं राम देख रहा, इहदे च राम है कि नहीं? तो सीता कहिंदी, इतनी समझ होनी चाहीदी है, जड़ चीज दे च राम नहीं आउंदा, मोती जड़ ने, जड़ दे च राम नहीं आउंदा, इतनी ते समझ होनी चाहीदी है। माला चुक के परे पवाई, कहने लगे, जे दे च राम नहीं तो फिर मैं की करना है? एलो फिर। तो सीता भी पढ़ी लिखी सूझवान, कहने लगे, हनुमंत इस शरीर जड़ है, पंजे दे पंजे तत जड़ ने, अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, पवन जड़ है, ते पंज तत्तां दा ये शरीर है, ते जिस दे च राम नहीं है तो कहिंदा मैनू नहीं चाहीदा, तो फिर शरीर क्यों रखे है? ये भी जड़ है, इनू क्यों चुकी फिरदा? वो थोड़ी रोस दे चाहिए, बे एक ते गलती कीती इसने, मैं इतनी कीमती सौगात देती इसने तोड़ी, ते उल्टा जिहड़ी गल कर रहा ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहा सी, ये शरीर जड़ है, फिर ये क्यों रखे होया है? हनुमान कहिंदा, मां गल सुन, अगर शरीर दे च राम नहीं तो मैनू शरीर दी भी लोड़ नहीं, मैं इहदे भी टुकड़े कर दिया। कहिंदे ने, इतना जज्बिआं नाल भरे है, उहदी रोम रोम जबान बन गई, हर रोम दे चो राम दी धुनी निकली, गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। कई दफा जज्बे इतने उमड़ देने, प्यार अंदरों इतना उमड़दा है, उन्हों एक निक्की जी जबान प्रगट करन दे च असमर्थ हो जांदी है। जैसे पिछे हड़ आ रहा होवे पानी दा, ते उन्हों किधरे एक इंच पाइप दे च जो है लंघाइए, उसनों गुजारीए किथे, इन्ना पिछे हड़ आ रहा है। जज्बिआं दा हड़, भावनावां दा हड़, प्रेम दा हड़ जद उछल पैंदा है, ये जबान छोटी पै जांदी है, एक एक रोम रसना बन जाती। मैं ग्रंथां दे पढ़िया ऐसा सी, पर मेरी तर्क बुद्धि रही है, बचपन तो मैं मनदा नहीं सी, ऐसा मैं मनदा नहीं सी। पढ़िया मैं स्वामी राम तीर्थ बारे भी सी, पढ़िया मैं संत बाबा अतर सिंह बारे भी सी। सेवादार रात नूं संत बाबा अतर सिंह दे कमरे चला गया, गया इस वास्ते कमरे च आवाज आ रही सी, वाहेगुरु वाहेगुरु। ते सेवादार ने सोचिया, बाबा जी ते सौ रहे ने, नींद च ने, कोई होर आदमी चला गया अंदर, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है ते बाबा जी दी नींद खराब करेगा, किसी होर जगह उसनू बैठना चाहिए। इस बोले के सेवादार संत अतर सिंह जी दे कमरे चला गया, बई उन्हों मैं कहा जे तू नाम जपना भी है तो बाहर आके बैठ, किसी और कमरे च बैठ जिथे बाबा जी सुते बहन उथे जपदा पै। पर कमरे च की देखदा, कल्ले बाबा जी ने, और शरीर दे चों आवाज आ रही है, वाहेगुरु वाहेगुरु। मुंह बंद सी, एक एक रोम रसना बनी हुई सी, रोंगटे खड़े सन। अभ्यासियां कोल मैं सुनिया,
और ये भगत माल च पढ़िया, लेकिन विश्वास नहीं बजता सी। फिर इन्हों अखा ने एक दो पुरश देखे ने और अजे भी मौजूद, जिन्हों की मैं ये दशा देखी, जिन्हों की मैं ये हालत देखी। ऐसी हालत देख के सब तो पहले जो मैंने दिखाई दिता, अपनी भूल दिखाई दी, अपनी मूर्खता दिखाई दी, मैं कहा नहीं, ये जो बाणी कह रही है गुरमुख रोम रोम हर रहा वे। गुरमुख इतना जज्बिया नाल भर जाता है, इतनी भावनावान नाल भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक थान ते फरियाद की है, कोट करन दी जे प्रभ स्वामी हर जस सुनिए अबनासी राम। तू दो कन दिते ने मैनू, एको ही थां मैं तेरा जस सुन सकदा, चारों पासे जिथे भी पुराण राही कुरान राही किसी भी संत दे कलाम राही ए प्रभु तेरी ही सदा गूंज रही होवे, तेरा तेरे नाम दी चर्चा हो रही होवे, मैं सुनना चाहना। तू सिर्फ दो ही कन दिते ने, एको ही जगह मैं सुन सकदा। गुरु अर्जन देव जी, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, ये प्रभ मैनू करोड़ा कन दे, इन्हां दो कन्नां नाल गल नहीं बनती, की करोगे करोड़ा कन्नां दा की करोगे। हर जस सुनिए अविनाशी राम, तेरे जस दिच इतना आनंद है, आनंद है, आनंद दा सागर है, पर की करां कन्नां दे दो कटोरे बड़े छोटे ने, मैनू करोड़ा कन दे, मैं हर पासे सुना। और उस लंबे चौड़े शब्द दे सतगुरु ने मंगया मैनू करोड़ा जबान दे, की एक जबान दिती। तेरे नाम जपण दे जितना रस इतना आनंद एको ही जबान तो दे दिती, मैनू करोड़ा दे। भाई गुरदास भी ऐसा कहिंदे ने, कहिंदे ने करोड़ा ही रोम ने शरीर दे बन जांदे ने, एक एक रोम रसना बन जांदी, गुरमुख रोम रोम हर दयावे। टीड़ी गढ़वाल दा राजा ते स्वामी राम तीर्थ नूं पागल समझ बैठा सी, उहदे भी रोम रोम दे चों राम दी धुन निकली सी। रात दा वक्त उहनां दे मेहमान खाने ठहरिया होया, ठहराया उहनां ने, पर ये धुनि सुन के राजा भी हैरान होया, मैं कोई पागल बंदा ते नहीं वाड़ लिया, किसी पागल बंदे नाल ते दोस्ती नहीं कर ली मैं। ये प्रोफेसर पूरन सिंह ने सारी वार्ता लिखी स्वामी राम तीर्थ। तो कहने तो मुराद, जब रोम रोम दे चौ राम दी धुन प्रगट होई, तो हाथ जोड़ने पै गए सीता नूं भी। हाँ, शरीर भावे जड़ है, हनुमंत इस जड़ दे विच भी राम है, भावे पत्थर जड़ है उस विच भी राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जेदे च राम नहीं है, राम तो बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ते राम दे च है, सब कुछ ते परमात्मा दे च है। उत्थे सीता दे हाथ जुड़ गए। गालिब कहिंदा है, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का जिगर, क्या हम नहीं रखते जो खो दे जाके मैदन को। पहाड़ा दे सीने में ता चीरा जे मैं अपना सीना नहीं रखता। जद भी प्रभु दा नाम प्रगट होंदा है, अपने सीने चो ही प्रगट होंदा है, खुदाई करनी पैंदी है। ठीक है, मनुख ने जमीन दी खुदाई की थी, जमीन ने बड़ा अन्न धन दिता है, पहाड़ा ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ दिता है और दे रहा है, आसमान तो अजे ते भावे मनुख मिट्टी ले आए, पता है कल की ले आवे, लेकिन जो कुछ भी ले आएगा लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, वो तो उस दिन मिलेगा जब जीवन दिच खोज करेगा। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ ने दपाई। इस दी खोज किवें करिए, किस ढंग नाल करिए, इसनू लड़ीवार मैं शाम दे समय थोड़े सामने रखना है, ताकि थोड़े विच कोई एक अद भी फैसला कर ले भी मैं हुण इस तरह की खोज करनी है, करनी है। तो फिर एक कथा कीती हुई सफल हो गई, कीता होया सत्संग सफल होया, क्योंकि बथेरियां तो उम्मीद नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने यत्न किए ने, बड़े बड़े संत जना ने यत्न किए ने, मनुख जमीन दे ही लभदा रह जाता है, बाहर ही लभदा रहिंदा,
अपने अंदर चात नहीं मारता। मैं एक दफा फिर दोहरावा, पदार्थ लभना है बाहरों लभना पेगा, लभना चाहिए। परमात्मा लभना है अंदरों लभना पेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाहर टोले सो भरम बोलाई, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाय। बड़ी कीमती पंक्ति, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दिच मन है, मन दिच सच है, तन दिच मन है, मन दिच परमात्मा है। खोज करो, और जिस दिन खोज कर दे हां उस दिन फिर मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ये खोज किवें करिए, धन गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने समझाते ने। यह लड़ीवार विचार दास शाम के समय थोड़े सामने रखिया करेगा। कल फिर इसे तरीके नाल हाजरी भरांगे। इत्थे ही समाप्ति है। सारिया का बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। Yeah.